तो बेटा ये 10 की पावर 4 है, तो 5 जो है वो 0.5 × 10 के इक्वल है। मैंने ट्रिक क्या बताया कि 5 के ऊपर x है तो 1/x, 0.1 के तो 1/y, और प्लस मल्टीप्लाई मतलब प्लस 1 की 1/4, तो 1/x − 1/y इक्वल टू 1/4, इस तरह से होगा बेटा ये 1/x − 1/y इक्वल टू 1/4। क्लियर है? एकता क्लियर है बेटा? ये ट्रिक थी, मल्टीप्लाई की जगह प्लस आएगा और 1/ वो आएगा जो उसकी पावर में। चलिए 1 to 20, 1 to 20 में कोई डाउट? 1 to 20 18। चलिए पहले 18 बता देता हूँ फिर पूछना। इन हाउ मेनी वेज 5 मैथमेटिक्स, 3 इंग्लिश, 3 साइंस बुक्स, सेम सब्जेक्ट बुक्स आर टुगेदर। अच्छा 18 रिग्रेशन, सॉरी। वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो 16x + 20y + 132, तो मैं इसको बी वाई एक्स मान लेते हैं, वाई वन एक्स, तो ये आ गया −16/20। ठीक है, सेकेंड वाले को मैं बी एक्स वाई मान लेता हूँ, तो −30/80। ठीक है, तो आर, क्योंकि दोनों नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव आएगा, 16/20 × 30/80 करना भाई, 3/10, 0.3 का स्क्वायर रूट, 0.5477, तो आंसर डी सही तो है, आंसर डी 0.5477। किसी को दिक्कत है 18 में? ये 18 था, क्लियर है 18? चलिए 1 से लेकर 20 तक कोई डाउट बेटा? 1 से लेकर 20 तक कोई डाउट? चलिए 21 से 30 तक कोई डाउट? 21 से 30 तक कोई डाउट? एक मिनट बेटा, 21 से लेकर 30 तक कोई डाउट? अनीशा? नहीं सर, 48 है सीधा। अच्छा सीधा 48 है, चलो आ रहे। 21 ये पूछ रहा है यहाँ से, तो मैं 21 बता देता हूँ पहले। 21, है 1 to 4, 2x + 5, तो 2x का तो हो गया x² और 5 का हो गया 5x, तो 4 रखोगे तो 16 और 20 36, 6 तो 30। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 था बेटा। 30 तक कोई डाउट? 30 तक कोई डाउट? फोर्टी तक कोई डाउट? फोर्टी तक कोई डाउट? 40 तक किसी को कोई डाउट है बेटा? कोई बोल ही नहीं रहा, क्या बात है। 50 तक? 48, 48 के अलावा 50 तक, 48, 45, 45, 48 और 45, 48 और बोलो बेटा। चलिए पहले 45 की बात कर लेते हैं। रमेश वांट्स टू रिटायर एंड रिसीव ₹3,000 per month और 8,000 कंपाउंडेड एनुअली, तो 3,000 बेटा आर अपॉन आई प्रोपेचुटी, 3,000 per month है, 8/1200 निकालना बेटा कितना आ रहा है। प्रियंका, 3,000 / 8/1200, तो 3,000 × 1200/8 कितना आ रहा है?
4.5 लाख, ठीक है। आ गया समझ में? आ गया जी समझ में? 48 48 देखो, अ वुमेन गोइंग विद अ बॉय आस्क्ड बाय अनदर वुमेन अबाउट द रिलेशन विद द वुमेन रिप्लाइड माय मैटरनल अंकल। तो देखो क्या बोला, वुमेन रिप्लाइड, वुमेन मदर के भाई, नहीं मदर मैटरनल अंकल, हाँ मम्मी के भाई। तो वुमेन के मम्मी के भाई मतलब वुमेन के मामा, बॉय के अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल एंड द अंकल, अब ये बॉय, बॉय के अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल, बॉय अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम है। क्या बनाया मैंने, वुमेन के मामा और लड़के के चाचा के की मदर के भाई, मतलब चाचा के अंकल ऑफिस मैटरनल अंकल, अच्छा अंकल ऑफिस मैटरनल, सॉरी 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 गलत बना दिया ना, अंकल ऑफिस मैटरनल अंकल, अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल, हाँ आंट और नेफ्यू हुआ, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल, बॉय की मदर के भाई के पापा के भाई है वो, पापा के भाई है ये, तो इसका मतलब वुमेन और बॉय, अब समझना बेटा इसको, पापा के भाई की बहन की बेटी है ये जो ये वुमेन, तो वुमेन और बॉय आपस में क्या हो गए, वुमेन और बॉय क्या हो गए आपस में, आंट और अंकल हो गए, आंट है नेफी को। अरे अनिशा समझ में आया क्या? हाँ सर थोड़ा थोड़ा आ गया, मैंने मदर और सन कर दिया था। मदर और सन तो हो ही नहीं सकता ना, मदर और सन कैसे हो गए, इसका मैटरनल अंकल की बात कर रहा है ना, बॉय के मैटरनल अंकल, वो तो अलग दूसरा अलग वो बन गया ना, दूसरा आपका रिलेशन चला गया ना, बॉय की मदर, बॉय की मदर के भाई, भाई। वो दूसरा दूसरा रिलेशन चला गया ना, यहाँ पर कहाँ रिलेशन, वो सन वाला रिलेशन कैसे बनेगा वो, हैं? नहीं मैंने ये देखा था, बॉय की मदर के भाई के मामा मतलब मदर के भी तो मामा हुए ऐसे करके, कोई बात नहीं है आगे। चलो 50 तक और कोई डाउट सर? 50 50 बेटा 50 में क्या दिक्कत आ रही है, ये तो इजी है, 200 किलोमीटर आपने ट्रेवल की तो किलोमीटर से मतलब 40 किलोमीटर से तो गए और 20 किलोमीटर से आ गए, तो इसकी एवरेज स्पीड होती है बेटा हार्मोनिक मीन, 40 और 20 का हार्मोनिक मीन निकाल लो आपको सीधा सीधा, 40 और 20 का हार्मोनिक मीन कैसे निकलता है बेटा, 40 डिवाइड इक्वल टू 20 डिवाइड इक्वल टू जी टी डिवाइड बाई टू डिवाइड इक्वल टू, निकाल के बताना बेटा, किसने पूछा था, 40 डिवाइड इक्वल टू 20 डिवाइड इक्वल टू जी टी आ गया सर 26, हाँ तो बस वही आएगा ये। कभी भी एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला जाए आपको तो हमेशा हार्मोनिक मीन लगेगा बेटा, कभी भी एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला जाए तो हार्मोनिक मीन लगेगा, क्लियर है? यस सर। ठीक है चलिए 50 तक और कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो अभी भी बेटा, 50 तक कोई सा भी डाउट है तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट है 50 तक, चलिए 60 तक, 58 से पहले और कोई, 58 और
चलिए 58 देखो। सर कोई 56 भी पूछ रहा है। 56 भी पूछा है, चलो मैं इधर आ गया ना, मेरे को दिखा दूंगा 56। बेटा 56 में तो अर्थमेटिक मीन निकालना है सीधा सीधा। देखो वीट बेस प्राइस कितनी हुई, 5, 8, 13, 5, 8, 25, 6, 7, 10। अच्छा मेथड ऑफ रिलेटिव, सॉरी मेथड ऑफ रिलेटिव, 7/5 कितना हुआ है बेटा, इंटू 100, 7/5 इंटू 100 बताना कितना आ रहा है बेटा, माइक स्टार्ट करके बोलना कितना, 140। अरे 7/5 इंटू 100 बता, 141 है बेटा, 141। 10/8 इंटू 100 125, ठीक है। 32 डिवाइड बाय 25 इंटू 100 128, और 12 डिवाइड बाय 6 इंटू 100 200। अब इनको सबको ऐड करो कितना आ रहा, कितना हो गया 5 9 5, डिवाइड बाय 4 करो बस। भाई पहले आपको रिलेटिव निकालना था, रिलेटिव को ऐड करके उसका अर्थमेटिक मीन निकालना था, आई बात समझ में। इसने पूछा था बेटा 56 क्लियर है, बेटा 56 क्लियर है, जिसने भी पूछा था। चलिए 56, 58 से पहले और कोई है कि किसी का बेटा, 58 से पहले और कोई डाउट है कि किसी का? चलो मैं 58 बता रहा हूँ अभी। 6 फ्रेंड आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, अमर किरण जो भी है, जीतू इज सिटिंग टू प्लेस लेफ्ट ऑफ अमर, टू प्लेस लेफ्ट ऑफ अमर, जीतू इज सिटिंग टू प्लेस लेफ्ट ऑफ अमर, फिर आगे क्या बोल रहा है, एन अपोजिट टू किरण, जीतू इज सिटिंग टू प्लेस लेफ्ट ऑफ अमर एन अपोजिट टू किरण, फिर अब क्या बोल रहा है, अब वो अमर यार इसको ऐसे बनाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जब आएगा, जीतू इज सिटिंग टू प्लेस लेफ्ट ऑफ अमर एन अपोजिट टू किरण, इफ धवन एंड मंजीत आर अपोजिट टू ईच अदर, अब धवन एंड मंजीत, धवन धवन एंड मंजीत, आर अपोजिट टू ईच अदर, जीतू इज सिटिंग टू लेफ्ट प्लस धवन एंड मंजीत आर अपोजिट टू ईच अदर, हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ जीतू, Who is sitting left of G2? एक सेकेंड, अरे तो मैंने सात बना दिए क्या, वही चक्कर है यार, नहीं सोचो कि हो क्या रहा है, 1, 2, 3, 4, 6, 7 बना दिए थे मैंने, मेरे को ऐसा लग रहा था। अब इसने बोला है जीतू इज सिटिंग टू प्लेस लेफ्ट ऑफ अमन किरण, अब बच्चे कितने हैं, धवन एंड मंजीत, तो यहाँ पर कौन आएगा, हेमन, क्या हो गया बेटा, क्या दिक्कत आई थी बेटा,
टू प्लेस का मतलब मैंने बीच में दो छोड़ के थर्ड पे बनाया था। नहीं, बेटा वो नहीं होता। टू प्लेस लैपटॉप मतलब दूसरे दूसरे प्लेस पे, दो प्लेसेस पे लैपटॉप। ठीक चलिए 60 तक और कोई, 60 तक और कोई बेटा किसी को डाउट है? 60 तक, 60 तक कोई और डाउट है? 70 तक, 70 तक बोल। 61। अब बेटा 61 उस दिन मैंने बताया था बड़ा इजी सा काम है, देख समझ लेगा। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, 61 बड़ा इजी कंसेप्ट है। यदि आपने लास्ट क्लास अटेंड की हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो देखो सर टी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो इसको जेड में कन्वर्ट कर दो। 20 - 12/4, तो जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो देखो 2 और 2 से ज्यादा, ये तो 0 है ये 2, तो 2 और 2 से ज्यादा है, ये आ गया भाई 2 और 2 से ज्यादा। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? 2 और 2 से ज्यादा। अब ये बोल रहा है कि 0 से 2 के बीच का एरिया गिवन है 0.4772, ये वाला एरिया, और ये मुझे पता है कि आधा एरिया होता है 0.5। तो बेटा 0.5 में से 0.4772 हटाओगे तो आपका फाइनल एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलिए। 0.5 में से 0.4772 हटा दो। अब इससे इजी प्रॉब्लम नहीं हो सकता बेटा, ये बिल्कुल मैंने उसी लॉजिक पर आपको प्रॉब्लम दिया था जो मैंने बताया था। तो 0.0228 ये आपका आंसर आ गया। चलिए 70 तक और कोई डाउट? 70 तक और कोई डाउट बेटा? 70 तक थर्ड सेंट्रल मोमेंट आ गया सबको? 66 एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड ट्वाइस एज आफ्टर इट इज फेल्ड, तो सक्सेस है पी डबल क्यू। एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल्ड, मतलब पी इक्वल टू 50। तो बेटा पी का वैल्यू आ गया 2/3, क्यू का वैल्यू आ गया 1/3। इन द नेक्स्ट 5 ट्रायल एटलीस्ट 3 सक्सेस, तो 3 या तो 3 सक्सेस होगा या 4 होगा या 5 होगा। 3 सक्सेस आएगी या 4 आएगी या 5 आएगी? अब 3 सक्सेस के लिए क्या बोलोगे? 5 है आपके पास, 5C3 2/3 की पावर 3, 1/3 की पावर 2, 5C4 2/3 की पावर 4, 1/3 की पावर 1, एंड 5C5 2/3 की पावर 5। 5C3 की वैल्यू होती 10 और ये हो गया 8/243, ये होता 5 16/243 और ये हो गया 5 32/243। तो 80 + 80 + 32/243 192/243, 3 से कैंसिल हो रहा है, 64/81। तो इसका आंसर आ गया हमारा 64/81। बेटा किसने पूछा था देख लीजिए, ये हमारा इसका आंसर आ गया xp > 3। क्लियर है? 70 तक और कोई डाउट? 70 तक और कोई डाउट? बेटा 67 में तो थर्ड सेंट्रल मोमेंट फॉर्मूले ही याद ही थे ना, मैंने जो भेजे थे एक का लास्ट भेजी थी वो क्लिप याद नहीं की ना तुमने? मैंने बोला था ना कि क्लिप याद करना, वो जो आपको एक टेबल भेजी थी लास्ट में। हाँ सर कर ली। तो फिर उससे तो डायरेक्ट आ रहा बेटा NPQ, थर्ड सेंट्रल मोमेंट होता है Q - P। अब आपको जुबान है मीन, मीन कितना गिवन है 67 में? 6, और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है तो वेरिएंस हो गया 4, तो 6Q = 4, तो क्यू आ गया 2/3 और पी आ गया 1/3। रख दो NPQ की वैल्यू है आपकी 4,
टू बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री तो फोर बाई थ्री, तो ये वैल्यू आ गई फोर बाई थ्री। डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा बेटा, आया कि नहीं आया फोर बाई थ्री। थर्ड सेंट्रल मोमेंट, थर्ड सेंट्रल मोमेंट, 70 तक कोई और डाउट किसी को? 70 तक किसी और को कोई डाउट? 70 तक सिमोनी तू आई है बता दे, 70 तक कोई और डाउट? हाँ सर एक बोल। 68 और क्या बोला? और 68 के बाद अलावा किसी ने कुछ बोला है क्या? चलो पहले 68 देख लो। पॉपुलेशन है 8 लाख, पहले ईयर में 25% इंक्रीज हो रही है भाई। तो मैंने क्या बोला था, 25% इंक्रीज होने का मतलब है 1.25। दूसरे साल में इंक्रीज हो रही है आपकी 20%, और तीसरे साल में इंक्रीज हो रही है 10%, 1.10। निकाल ले जो भी आएगा यही आंसर है। एकता देख ले इसका आंसर आ गया। ठीक है सर। 1.25 ये बेटा। 70 तक कोई और डाउट किसी को? सर 48 बता दिया क्या? बता दिया 48। ठीक है सर, दोबारा देख ले। 48 वही है जो वही है ना, ये मदर एंड सन वाला। हाँ देख, बॉय की मदर के भाई के फादर के भाई की बहन की बेटी, ये है भाई। ये दोनों के लिए सेम, ये इसका मामा भी है और ये इसके मामा का, इसके मामा के फादर का अंकल भी है। मतलब फादर के अंकल नहीं, फादर के भाई है। अब इनमें क्या है, ये दो अलग अलग रिलेशन चल रहे हैं बेटा, ये दोनों सेम नहीं हो सकते। तुमने ये दोनों सेम बना दिए, ये दोनों ने सेम मान लिए, जबकि ये सेम हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? ये तो इसकी, इसके मामा, बेटे के मामा के फादर के भाई की बहन, मतलब इसकी बहन, मामा की बहन की बेटी, वो मामा की बहन की बेटी है। हाँ मम्मी की बहन कैसे होगी? इसकी मम्मी की बहन हो गई। बॉय की मम्मी की बहन कैसे हो गई? पर ये दोनों तो रिलेशन अलग है ना बेटा। आंटी तो हुई ना, आंट तो क्योंकि रिलेशन चल रहा है। एक मिनट सुन मेरी बात, बॉय की मम्मी, मम्मी के फादर कौन हुआ? ऊपर वाले, उनके अंकल, उनके भाई, मतलब भाई मतलब उनकी बहन की बेटी है वो, तो वो तो बहन की बेटी है। ये तो आपकी अलग होगी ना, ये दोनों सेम जैसे हो सकते हैं। अरे समझ में आया सुमोनी? हाँ सर आ गया भाई। ये तो दोनों अलग अलग रिलेशन है, ये दोनों तो सेम हो ही नहीं सकता ना कभी। ये तो इसकी बेटी है, ये तो इसकी बेटी है, और ये इसकी बेटी है, ये तो इसके बहन की बेटी है, और ये इसकी बेटी है, तो दोनों सेम कैसे हो जाएंगे? अरे आया अब अनीता, तेरे को समझ में आ गया? अब हाँ सर आ गया भाई। वो तो उसकी, उसके पापा तो इसे, वो बॉय की मम्मी के पापा तो वो रहे दूसरे वाले, और ये मम्मी और इसकी इसकी मदर तो उसकी बहन है। बॉय की मम्मी के पापा की बहन है वो, उसकी बेटी है वो, तो अलग अलग हुआ ना। कहा नेफ्यू एंड आंटी तो आएगा। 70 तक और कोई? 70 तक और कोई सर? वो 17 वाला क्वेश्चन था ना, वेरिएंस 17 वाला क्वेश्चन वेरिएंस वाला था ना।
एक मिनट उसका कॉन्सेप्ट समझा दो सर। तो मैंने तेरे को ना लिख के भेजा भी तो था, तब भी नहीं समझ में आया। हाँ सर, वो मैं हर बार ही अजीब सा कर देती हूँ। एसडी कितना है तेरा, बोल दीजा। एसडी कितना है? 3। तो वेरिएंस कितना होगा? 9। बोल दीजा 9। अब मुझे इसका वेरिएंस निकालना है 5 मस। हाँ इसका वेरिएंस निकालना 5 माइनस 4 एक्स बाई 3 का। इसका स्केल कितना है, बोल बोल कितना है? 4/3। तो वे 4/3 तो फोर बाई थ्री का स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स ऐसे निकलता है। जो भी स्केल होता है जब वेरियंस निकालते हैं तो वेरियंस का स्क्वायर, हाँ स्केल का स्क्वायर इंटू ये, ठीक है। चलिए भाई 70 तक और कोई डाउट? 70 तक और कोई डाउट? 70 तक किसी को कोई भी डाउट है? 80 तक? 80 चलिए। 80 के अलावा और कोई? 78 लिखना बेटा, 71 78 80। 71 78 80 और कोई? क्योंकि मैं बोर्ड पे चल जाऊंगा तो पीछे नहीं दिखेगा कुछ। 71 78 80 चलो 71 देखो। अ शॉपकीपर मेक्स टू वैरायटी ऑफ, एक तो 60 रुपए के पर किलोग्राम है और एक 100 रुपए के पर किलोग्राम है और एवरेज है 75। तो बेटा इसका सबसे बढ़िया तरीका, इसका डिफरेंस लो, इसका डिफरेंस लो। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है भाई, जिसने भी पूछा 71। पहला है 760 रुपीज पर किलोग्राम, दूसरा है 100 रुपीज पर किलोग्राम और दोनों का एवरेज है 75 रुपीज पर किलोग्राम। इधर से डिफरेंस लेंगे, उधर से डिफरेंस लेंगे, दोनों का रेशियो ले लो। आया के किसने पूछा था? ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मेथड लगाना हो तो मेथड से भी कर सकते हैं। मेथड कैसे लगाओगे? सपोज एम टू एम में करा आपने, तो ये हो गया एम किया 60m प्लस 100m और 75m प्लस एम। इससे निकाल लेना बेटा, एम टू एम का रेशियो आ जाएगा। ऐसे कर लेना, एक ही बात है, एम टू एम का रेशियो आ जाएगा। 71 की बात क्या था? 78। बेटा रूट्स आर जीपी, तो जब भी रूट जीपी में होते हैं तो देखो रूट्स हैं ए बाई आर, ए और ए आर, ये जीपी में है। जब भी रूट्स होते हैं तो रूट जीपी में इस तरह से होते हैं, तो इनका प्रोडक्ट होगा ए क्यूब। और इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है इक्वेशन में से? 27। तो एक रूट आ गया हमारा 3। ए का वैल्यू मतलब एक सिंगल रूट आ गया हमारा 3। यहाँ तक समझ में आया? किसने पूछा बेटा? ए क्यूब आ गया आपका 27। तो ए का वैल्यू 3 आ गया, मतलब एक रूट 3 है। रूट का मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन में रख दो 3 का क्यूब 13 इंटू 3 का स्क्वायर के इंटू 3 माइनस 27 इक्वल टू 0। ये आ गया 27 माइनस 9 इंटू 13। बोलना बेटा, और प्लस 3k माइनस 27 इक्वल टू 0। तो 3k इक्वल टू 117, तो k का वैल्यू 39। आया समझ में? यस सर। यदि रूट एटी में होता, ये तो जीबी में है, यदि रूट एटी में होता तो फिर ये लेते बेटा, तो इनका सम करते तो 3a आता, 3a इक्वल टू सम ऑफ द रूट, फिर a आ जाता मार्क्स। तो ये दो तरह की प्रॉब्लम बन सकती है। 78 के बाद बेटा इसको देखना, प्रियंका a by b की पावर y माइनस 1 y माइनस 3, तो b by a को उल्टा कर दो बेटा। जैसे उल्टा करोगे तो ऊपर माइनस आएगा, माइनस ऑफ y माइनस 3। आया समझ में?
अब वाई माइनस, ये भी ए बाई बी की पावर वाई माइनस वन, ये भी ए बाई बी की पावर, तो वाई माइनस वन माइनस वाई प्लस थ्री, तो टू वाई इक्वल टू फोर, तो वाई इक्वल टू टू। क्लियर है? क्लियर है? चलिए 80 तक और कोई किसी को, 80 तक कोई और डाउट किसी को? चलिए 90 तक, 90 तक, 90 तक कोई और डाउट? 90 तक कोई और डाउट? 87, 87 के अलावा और कोई? चलिए 87 देखना बेटा। चलो फिर भी ये, लेकिन ये है कि अपने टेस्ट पेपर में गलतियां बहुत कम निकलती है, ये है एक ही, बस एक का आंसर करेक्शन था, बाकी तो नहीं ठीक है, अब इतना सारा टाइप और करने में तो निकल ही जाती है। इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 5% ऑफ द टूल प्रोड्यूस टर्न टू बी डिफेक्टिव, 40 टूल, तो एम हो गया एनपी, एन है 40 और 5/100, तो 2 आ गया एम का वैल्यू। एटमोस्ट टू डिफेक्टिव, एटमोस्ट का मतलब है 2 और 2 से कम, तो एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 2। 0 मतलब एम, एम कितना आया, तो 2 की पावर 0, ए की पावर माइनस 2 अपॉन 0 फैक्टोरियल, सी की पावर माइनस 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2 की पावर 2, ए की पावर माइनस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ई की पावर माइनस 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 2 4/2, 5 e की पावर माइनस 2, e की पावर माइनस 2 की वैल्यू 0.135, कितना आ रहा बेटा, 5 × 5 0.65। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 87, ये 87 हो गया भैया। क्लियर है ये? 90 तक कोई डाउट? 90 तक कोई डाउट? 90 तक कोई डाउट? चलिए पूरे पेपर में कोई डाउट 100 तक? बता रहे 100 तक कोई डाउट? बेटा सम ऑफ स्क्वायर्स जो होता है ना, लीस्ट स्क्वायर मेथड कहलाता है ना, मिनिमम मतलब लीस्ट स्क्वायर मेथड, तो लीस्ट मतलब मिनिमम, स्क्वायर मेथड हमेशा मिनिमम होता है, लीस्ट स्क्वायर मेथड, नाम ही लीस्ट स्क्वायर है, 98 की बात कर रहा हूँ मैं, तो लीस्ट स्क्वायर मतलब मिनिमम, तो मिनिमम निकालना होता है स्क्वायर में, इसलिए आंसर उसका मिनिमम आएगा 98 में। अगर समझिए 98, 92 बोलो, 92 बोला भाई किसी ने, 92 देखो। इंट्रोड्यूसिंग सोनिया आमिर सिंह, शी इज द वाइफ ऑफ द ओनली नेफ्यू ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर आमिर, ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर, माई मदर का ओनली ब्रदर और इसके फादर, शी इज द वाइफ ऑफ ओनली नेफ्यू ऑफ ओनली नेफ्यू ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर, शी इज द वाइफ ऑफ ओनली नेफ्यू ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ ओनली ब्रदर, ओनली ब्रदर का ओनली नेफ्यू, तो ये खुद ही होगा और इसकी वाइफ है, शायद सही हो, क्या हो गया ये, नहीं सही तो है, वाइफ ही तो आई, अरे आमिर की वाइफ ही तो आई, अरे भाई उसने क्या बोला, शी इज द वाइफ ऑफ ओनली नेफ्यू ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर, तो ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर कौन होगा, आमिर का मामा, और मामा का ओनली नेफ्यू मतलब आमिर खुद, क्योंकि बेटा तो एक ही है वो, तो आमिर खुद और उसकी भाई, तो उसकी भाई हो गई ना भाई, अरे क्लियर है, किसने पूछा था 92,
चलिए 100 तक और कोई डाउट? 41 बता दिया क्या? बता देंगे, बता दिया नहीं बताया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बता देंगे पहले तो 41 के अलावा और कोई डाउट किसी को? दोबारा से वापस पूरे पेपर की बात कर रहा हूँ, 41 के अलावा और कोई बताना है बेटा? 41 के अलावा और कोई बताना है किसी को? कोई भी डाउट है तो पूछ ली, और किसी को? 93, 41, 93 लिखना बेटा, 41, 93 और कोई? प्रियंका बोल बेटा तेरे को कोई डाउट हो और? 41, 93 के अलावा? चलिए 41, 93, चले 93 देख लेते हैं, पीछे ही हूँ मैं इसलिए। बेटा वेरिएंस का स्क्वायर ये चीज पहले भी बता चुका हूँ, एस एक्स स्क्वायर अपॉन एस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स वाई अपॉन बी वाई एक्स, याद रखो बेटा इस फॉर्मूले, इस फॉर्मूले को याद रखो। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर उनकी कोरिलेशन कोफिशिएंट और उनका रिग्रेशन कोफिशिएंट के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, स्क्वायर के रेशियो स्क्वायर के इक्वल होता है। अब जैसे पहली आपकी इक्वेशन है 7x-3y, मैं सपोज इसको x1y मान लेता हूँ तो 3/7 आ गया इसका। दूसरे वाले को y एन x माना है तो 4 आ गया, ये तो गलत आ रहा है, इसका मतलब उल्टा आ गया, ये y x है और ये x y है 1/4, तो ये आ गया आपका 1/4/3/7। सर 7/3 आएगा। अच्छा उल्टा कर दिया ना, हाँ वही तो मैं सोचू क्या हो रहा है, तो ये हो गया 1/4/7/3, उल्टा कराई नहीं था 3/20। भाई पहली वाली लाइन जो गिवन है वो बी वाई एक्स है तो 7/3 आएगा, और दूसरी वाली लाइन बी एक्स वाई है, इसका आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट और रिलेशन कोफिशिएंट निकालोगे तो 1/4 आएगा, तो डिवाइड करोगे तो 3/28 आ गया। ये फॉर्मूला याद रखना है, एस एक्स स्क्वायर अपॉन एस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स वाई अपॉन बी वाई। 41 आई रन अलोंग द साइड ऑफ स्क्वायर एबीसीडी, येलो एबीसीडी वेयर सी इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए, सी इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए, नॉर्थ east of us, T is to the northeast of A, yellow guy. And D is to the southeast of B, yellow guy. आया ये समझ में? फिगर बना समझ में आ गया? किसने पूछा था? T is to the northeast of A. अब आगे क्या बोल रहा है बेटा? In this direction I shall be running after crossing C. After crossing C. अलोंग द साइड ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, मतलब ए बी सी डी से मतलब ये से जा रहा है भाई, ए बी सी डी, तो सी से क्रॉस करने के बाद कौन सी डायरेक्शन में आएगा वो? वेस्ट में जा रहा है कि नहीं जा रहा? सी से क्रॉस करने के बाद वेस्ट की तरफ जा रहा है बेटा, देख लो वेस्ट की तरफ जा रहा है, क्लियर है? ठीक है 93 बता दिया, अभी बताया तो था 93 बता देना। चलिए भाई 100 तक और कोई डाउट? 100 तक कोई और डाउट? चलिए बेटा अब ये है कि ऑल द बेस्ट, क्योंकि अब हमारे मेजर मेजर सब कंप्लीट हो गए हैं, अब जिसको भी डाउट है पर्सनल आप मैसेज करिए, फिर उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आपको क्लास चाहिए कि क्या चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है, आप मैसेज करना, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या है। हिचकिचाना मत, किसी को कोई भी डाउट हो कुछ भी पढ़ना हो कहीं पे भी मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, आप सिर्फ अपने डाउट बोलना, कोई चीज पढ़नी हो तो वो बोलना, मैं आपको अपने हिसाब से जो भी मेरा टाइम फ्री होगा मैं आपको टाइम दे दूंगी, चाहे आप बोलेंगे ऑनलाइन तो ऑनलाइन, ऑफलाइन बोलेंगे तो ऑफलाइन, हर एक तरीके से मैं अवेलेबल करवा दूंगा आपको, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है ये। सर वो मेरे इसके फोन वाले डिफरेंस बेटा, दोबारा भेज वो क्या पता कहाँ चलेगा, मुझे भी पता नहीं, दोबारा भेज दे आज, आज मैं तेरे को पक्का बता दूँ। ठीक, थैंक यू।
अभी भी फिर वापस से एक ही चीज बोल रहा हूँ बेटा, किसी को भी कोई भी डाउट है कुछ भी है, आप मैसेज करना, पढ़ना है कुछ भी तो भी बुक कर लेना, मैं कहीं पे भी आपको टाइम दे दूंगी, ठीक है। लेकिन हमारा भाई लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम तो खूब पढ़ना है आपको, ये मत समझ लेना कि मैंने रिवाइज कर लिया सब कुछ कर लिया, और लास्ट के 10 दिन जितना ज्यादा पढ़ोगे आपके लिए उतना बेनिफिट के लिए। चलिए ऑल द बेस्ट बेटा।